हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। जैसे कि आप सबको पता है कि नाइका पिंक फ्राइडे सेल चल रहा था, सो मैंने भी शॉपिंग की है इस पिंक फ्राइडे सेल में। लेकिन आज का वीडियो एक हॉल काइंड ऑफ वीडियो है, बट इट्स मोर लाइक अ चिट चैट वीडियो, जहां मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा पर्सनल बातें शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ही बता दूं, ये वीडियो मैं बिल्कुल अनकट रखूंगी। मैं एकदम चिटचैट करूंगी आप लोगों के साथ, कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं करूंगी। सो ये जो पिंक फ्राइडे सेल था इस बार का, मुझे कुछ खास नहीं दिखा। मतलब कुछ वाओ ऐसा वाला डिस्काउंट मुझे नहीं दिखा। बल्कि धनतेरस के टाइम जब डिस्काउंट चल रहा था बिग बिलियन डे सेल फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पर, उस टाइम मुझे नायका पर लिपस्टिक्स, मेबेलिन लिपस्टिक्स एंड ऑल बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिला, जैसे 50% डिस्काउंट में। जब से मैंने मेबेलिन जो फिट मी फाउंडेशन है वो फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, उसके बाद से आई ऑलवेज प्रेफर स्किन केयर एंड मेकअप आइटम्स फ्रॉम नायका ओनली। पता नहीं वो ओरिजिनल देते हैं कि नहीं, बट डेफिनेटली उसे इस्तेमाल करने से तो ये लगता है कि वो ओरिजिनल ही है। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, ये वाला फिट मी फाउंडेशन, दिस इज टोटली मुझे पर्सनली ये डुप्लीकेट लगा। अगर आपकी कोई और राय है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखें, यहाँ पर मैं लिंक कर दूंगी वो वीडियो। सो मुझे एक फिट मी फाउंडेशन चाहिए था, ये वाला डुप्लीकेट निकला, सो आई हैड टू परचेज अ बिगर वर्जन ऑफ इट और ओरिजिनल प्रोडक्ट। सो मैंने नायका से फिर से ये खरीद लिया। ये है फिट मी, मेरा जो शेड है वो है 128 वार्म न्यूड, और ये फाउंडेशन मेरे स्किन पर सबसे ज्यादा सूट करता है। एंड आई डोंट वांट वेरी हेवी मेकअप, इसका कवरेज मीडियम है, शीयर टू मीडियम कवरेज देता है, जो मेरे लिए काफी है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। नेक्स्ट, अगेन मुझे फिट मी का जो कंसीलर है वो चाहिए था, क्योंकि फिट मी कंसीलर मेरा प्रीवियस वन वो खत्म हो चुका है बिल्कुल, एंड मैं कंसीलर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, इसीलिए मेरा ये वाला तो 2 साल इजिली चल जाएगा आई गेस, क्योंकि अभी पहले मैं उतना ज्यादा मेकअप नहीं करती थी। अभी मैं वीडियो शूट करती हूँ बैक टू बैक एवरी डे, दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा सा मेकअप की जरूरत है। सो लेट्स सी ये कितने दिनों तक चलता है। सो ये है फिट मी फाउंडेशन, इसका भी मेरा शेड है 20 सैंड, ये भी मुझे 20% डिस्काउंट में मिला। इसमें भी कुछ खास डिस्काउंट नहीं था, क्योंकि पिंक फ्राइडे सेल के लिए मैं वेट कर रही थी। मैं पिछले 15 डेज से मैं चेक कर रही थी कि प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं कि नहीं, मुझे उस टाइम भी 20% डिस्काउंट में दिख रहा था, एंड पिंक फ्राइडे सेल में भी मुझे 20% डिस्काउंट में ही खरीदना पड़ा, उससे ज्यादा सेल मुझे नहीं दिखा। सो आई डोंट नो, मैं इस साल उतना ज्यादा खुश नहीं हूँ नायका पिंक फ्राइडे सेल से। नेक्स्ट, मैंने निविया मॉइस्चराइजर परचेज किया है। एक्चुअली अगर आप मुझे पर्सनली जानते हैं, यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ निविया, मैं हर चीज निविया के इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो डिओड्रेंट है या फिर यू नो रोल ऑन्स या क्रीम है, मैं हमेशा निविया को ही प्रेफर करती हूँ। ये है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइजर, ये 300 ml का टब है, जो मैंने ये अच्छा डिस्काउंट में मुझे मिल गया। इट वॉज रियली ऑन अ वेरी गुड सेल, तो जो भी प्राइसेस है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। मैंने ये पर्सनली, ये मुझे पसंद नहीं है उतना ज्यादा, मुझे जो ब्लू वर्जन है वो मुझे पसंद है, एंड मेरे घर में बहुत सारे डिब्बे हैं ब्लू निविया के, और मैं उसे ही यू नो रात को लगाना पसंद करती हूँ, लेकिन मैं दिन में उसे नहीं लगाती क्योंकि बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। लेकिन ब्लू वाला आउट ऑफ स्टॉक मुझे दिख रहा था, अगर आप सबको मिले तो मुझे प्लीज कमेंट करके नोटिफाई करे, मुझे तो आउट ऑफ स्टॉक दिखा, दैट्स व्हाई आई परचेस्ड दिस वन। नेक्स्ट, आई हैव परचेस्ड 2 AD18 नेल पॉलिशेस। नाउ ये नेल पॉलिश येलो कलर में है, और ये थोड़ा सा एक यूनिक शेड है जो काफी ज्यादा प्रिटी लग रहा है ऑन कैमरा। तो अब मैं पहले बिल्कुल भी नेल पॉलिशेस एंड ऑल नहीं इस्तेमाल करती थी, बट अभी फॉर द सेक ऑफ वीडियोस ओनली मैं नेल पॉलिशेस ट्राई कर रही हूँ डिफरेंट कलर्स के, जो कि कैमरा में बहुत अच्छा दिख रहा है। अब ये वाला शेड भी देख सकते हैं, दिस शेड इज गिवन बाय माय सिस्टर, मेरी दीदी ने मुझे ये शेड दिया है, एंड इट लुक्स सो प्रिटी। मतलब ये ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा भी बहुत प्रिटी लग रहा है, इट्स काइंड ऑफ न्यूड पिंकिश न्यूड शेड, आई लव द शेड। ये एलिएटिन के नेल पॉलिश नहीं है, ये है रिलायंस ट्रेंड्स में जो आपको नेल ट्रेंड्स करके जो नेल पॉलिशेस मिलते हैं, ये उनमें से एक है। सो दिस वन इज ऑल्सो वेरी प्रिटी शेड, एंड एलिएटिन का ये दो मैंने परचेज किया है। मैं शीट मास्क बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, एंड स्पेशली मैं आप सबको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आपको इनिस्फ्री शीट मास्क इस्तेमाल करना है देन जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि शीट मास्क में इनिस्फ्री इज द बेस्ट। मेरा जो फेवरेट वेरियंट है वो है राइस वेरियंट फ्रॉम इनिस्फ्री। उसके बाद फेस शॉप आप ट्राई कर सकते हैं, फेस शॉप के सारे ही शीट मास्क अच्छे होते हैं, बट जो ब्लू बेरी वाला है वो मेरा फेवरेट है।
उसके बाद अगर आपको ये सब डिस्काउंट में नहीं मिलता है तो आप टोनी मोली का शीट मास्क ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छा है एंड वो काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो इनिसफ्री के बाय फाइव गेट फाइव ऑफर में मिल रहा था। सो पहले क्या होता था कि सेल में ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, अब इस साल मुझे उतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखी। सो पहले हम लोग 10 वेरिएंट्स ही चूज कर सकते थे, बट दिस टाइम इट वाज कि मैं बस 5 वेरिएंट चूज करूं एंड द अदर 5 विल बी ऑटोमेटिकली एडेड इन माय कार्ट, मतलब वो लोग खुद से ही जो डिफॉल्ट है वो एड कर देंगे। सो इससे मुझे कुछ खास ऐसा नहीं लगा, बट स्टिल इनिसफ्री बस साल में 2 या 3 बार ही डिस्काउंटेड प्राइस में या ऑफर्स में मिलता है, दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स ग्रैब इट। एज यू ऑल नो मेरा जो फेवरेट वेरिएंट है वो है राइस, तो मैंने राइस का ही 5 शीट मास्क मैंने कार्ट में ऐड कर लिए थे। तो जो मैं चूज कर सकती थी ओनली 5 आई कैन सिलेक्ट, तो मैंने ये 5 राइस के ऐड कर लिए थे। उसके बाद जो डिफॉल्ट कार्ट में ऐड हुए हैं वो है हनी वेरिएंट, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ही ज्यादा चिपचिपासा लगता है मुझे। तो 2 हनी उन लोगों ने ऐड किया है एंड देन दे हैव एडेड दिस क्यूक्यूम्बर, इट इज आल्सो गुड, और 2 मुझे रिसीव हुए हैं लाइम, लाइम इज रियली गुड, सो आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग, बट मुझे हनी वाला 2 वेरिएंट्स उन लोगों ने दे दिया है। मैं अगर सिलेक्ट, मुझे अगर मौका मिलता सिलेक्ट करने का तो मैं कभी हनी वेरिएंट तो सिलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती, बट इट्स ओके। नेक्स्ट आई परचेस्ड दीज फेशियल रेजर्स, तो ये है बॉन्सन का फेशियल रेजर, इसमें आपको इस तरीके के 3 रेजर्स मिलते हैं, ये फेशियल रेजर्स है। इस साल 2020 में मैंने अपने आईब्रोज को प्लग नहीं किया है, पार्लर में मैं गई ही नहीं एंड मुझे इस बात का बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है क्योंकि मैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में पार्लर में मैं नहीं गई हूँ एंड आई कैन प्राउडली से दैट मैं घर पर ही अपने आईब्रोज करती हूँ। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल देन डू अ वीडियो ऑन दैट ओनली। और ये फेशियल रेजर्स है जिसे मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने आईब्रोज को शेप करने में एंड दैट्स इट, मेरा काम उससे ही चल जाता है। और ये बॉन्सन के आईब्रो रेजर्स है, बट पर्सनली मुझे ये उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे पास पहले टिंकल के रेजर्स थे तो उसमें ना यहाँ पर वेव्स रहते हैं, तो वेव्स रहने पर चेहरे पर कट नहीं होता, तो अभी मुझे टिंकल का आउट ऑफ स्टॉक दिखा, दैट्स व्हाई आई परचेज दिस वन, इसमें ना कोई वेव नहीं है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा नहीं तो चेहरे पर कट हो सकता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, ये सब मैंने खरीदा है और भी काफी सारी चीजें हैं जो अभी अब मेरे पास नहीं आकर पहुंचे हैं। तो आप लोगों को इस तरीके का चिट चैट हॉल वीडियोस कैसे लगते हैं नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं, तो मैं और भी इस तरीके का यू नो नेचुरल वीडियो शेयर कर पाऊंगी आप लोगों के साथ, थोड़ा सा इंटरैक्टिव काइंड ऑफ वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।